हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी सी स्टोरी, जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊँगा और इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करने के साथ साथ इंग्लिश को कैसे समझें, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करें, ये तमाम बातें आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, हम बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, इस स्टोरी का नाम है, यानी शीर्षक है, द ब्रेव किड्स। ब्रेव यानी होता है बहादुर, किड्स यानी होता है बच्चे, किड यानी बच्चा, किड्स यानी बच्चे, क्लियर है। तो द का हम प्रयोग करते हैं जब किसी पर्टिकुलर हम ग्रुप या किसी प्रॉपर नाउन की, सॉरी, कॉमन नाउन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे द बॉय है ना, द ब्रेव मैन, द ब्रेव बॉयज़, इसी तरह से है द ब्रेव किड्स, यानी बहादुर बच्चे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे, राइट। द ब्रेव किड्स, आइए शुरू करते हैं। इट वॉज कैंपिंग टाइम। इट यानी यह, वॉज यानी था, यह था कैंपिंग टाइम, यानी कैंप का टाइम था। जैसे बच्चे होते हैं स्कूल की तरफ से कैंप में जाते हैं, ठीक है, टूर में जाते हैं, तो ये कैंप का टाइम था, समय था। ऑल द किड्स वर गोइंग फॉर अ 3 डे कैंप। ऑल द किड्स यानी सारे बच्चे वर गोइंग, जा रहे थे, ठीक है। वर गोइंग, जब कभी वॉज और वर्व के साथ, वर्व की आईएनजी आ जाए, ठीक है, वॉज और वर के साथ गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग आ जाए, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। उसका मीनिंग होता है कि वैसा हो रहा था। जैसे वर गोइंग, तो गोविंद जाना होता है, तो जा रहे थे। ऑल द किड्स वर गोइंग फॉर, यानी के लिए, अ 3 डे कैंप, एक 3 दिन के कैंप में जा रहे थे, ठीक है, क्लियर है। आइए देखते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है ना, बहादुर बच्चों की कहानी है, पूरा सुनिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा और आपको इंग्लिश बड़े आराम से सीखने को मिलेगी, क्लियर है। कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उसको हम अगली बार ज़रूर इम्प्रूव कर लेंगे ताकि आपको इंग्लिश सीखने में समस्या ना हो, क्लियर है। द पेरेंट्स हैड कम टू सी देयर वर्ड्स ऑफ। पेरेंट्स, द पेरेंट्स यानी कि वे माता पिता जिनके बारे में हम जानते हैं, यानी कि बच्चों के माता पिता, ठीक है। द पेरेंट्स यानी कि यहाँ पर क्लियर है, हम खास तरह से किसी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके बच्चे कैंप में जा रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। द पेरेंट्स यानी वे माता पिता हैड कम, आए थे। हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है कि वैसा हुआ था या किया था, ठीक है, बना चुके थे, इस तरह से। तो हैड कम, आए हुए थे, कम केम, कम थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये आप ना भूलिएगा। कम क्या है, थर्ड फॉर्म है, कम होता है, फिर केम होता है, फिर थर्ड फॉर्म सेम होता है, कम। तो हैड कम, आए थे टू सी ऑफ। देखिए, सी ऑफ का मतलब होता है किसी को छोड़ना या विदाई करना। जैसे कोई जा रहा होता है उसको हम विदा करने आते हैं, तो टू सी ऑफ यानी कि उन्हें विदा करने आए थे। किन्हें? देयर वर्ड्स, देयर मतलब होता है उनके या अपने, वे अपने, है ना, या वे उनके वर्ड्स यानी होता है जो प्रतिपाल या आश्रित बच्चे होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, है ना, उन्हें वर्ड्स भी कहते हैं। तो देयर वर्ड्स, अपने जो आश्रित बच्चे थे, बालक थे, उन्हें वो विदा करने आए थे, छोड़ने आए थे। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गई, ठीक है, चालू हो गई, मतलब स्टार्ट हो गई, बस स्टार्ट हो गई, चालू हो गई। विद द बॉयज़, लड़कों के साथ, एट द अपॉइंटेड टाइम, बिल्कुल निश्चित समय पर। अपॉइंट यानी होता है जो हम नियुक्त करते हैं, जो हम निश्चित तय करते हैं, तो अपॉइंटेड टाइम पर, निश्चित समय पर, है ना, बच्चों के साथ बस स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। द बॉयज़ वर इन हाई स्पिरिट्स। द बॉयज़, वे लड़के, वर यानी थे, इन हाई स्पिरिट्स मतलब होता है काफ़ी उत्साह में होना, अति उत्साहित होना, इन हाई स्पिरिट्स यानी काफ़ी ज़्यादा उत्साह होना।
वर सिंगिंग, वे गाना गा रहे थे। ठीक है ना, देखिए फिर से यहाँ आ गया जो मैं आपको बता रहा था ऊपर, कि वर के बाद आईएनजी फॉर्म आ गया या वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आ गया, तो उसका मतलब होता है चल रहा था, हो रहा था। दे वर सिंगिंग, वे गा रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं, घूमने के लिए काफ़ी उन्हें मज़ा आता है, तो वो खुशी के मारे गा रहे थे, नाच रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, द बस वॉज रोलिंग अलोंग। वो जो बस थी, द बस वॉज, वो क्या कर रही थी? रोलिंग अलोंग मतलब होता है कि चलना, आगे बढ़ना, तो बस भी आगे बढ़ रही थी, साथ साथ बच्चे नाच गा रहे थे और साथ साथ बस भी आगे बढ़ रही थी। तो रोलिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, वैसे तो इसके और भी मतलब होते हैं, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। द रूट रैन थ्रू अ फॉरेस्ट। देखिए, रूट मतलब होता है रास्ता या मार्ग, रैन थ्रू होता है मतलब जे से होकर गुजरना, रन थ्रू का सेकंड फॉर्म है रैन थ्रू, थ्रू मतलब होता है से, फॉरेस्ट यानी जंगल। ठीक है, तो वो जो उनका रूट था, जो रास्ता था, वो जंगल से होकर जाता था, एक जंगल से होकर, अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो रैन थ्रू मतलब होता है से होकर गुजरना, तो वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। व्हेन द बस वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, व्हेन, जब वो बस गोइंग जा रही थी थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर गुजर रही थी। द किड्स कैप्ट क्वाइट। देखिए, कीप क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, कैप्ट कीप का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी शांत हो गए। द किड्स यानी वे बच्चे, कैप्ट क्वाइट, वो शांत हो गए, सारे बच्चे शांत हो गए। ठीक है, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, गेटिंग मतलब होता है होना, डार्क यानी होता है अंधेरा। ठीक है, तो अंधेरा हो रहा था, इसलिए बच्चों को डर भी लग रहा था, है ना। सडनली, अचानक से, द ड्राइवर ब्रेक्ड, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। एवरीवन गॉट अ रूड जॉल्ट, जॉल्ट मतलब होता है झटका। ठीक है, तो जब ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोक दी, तो एवरीवन यानी हर कोई गॉट अ रूड जॉल्ट, एक जोरदार झटका लगा। ठीक है, गॉट जॉल्ट यानी कि झटका लगा। रूड मतलब होता है बेकार, ठीक है, या ज़्यादा यहाँ से मतलब है। वैसे रूड का मतलब होता है असभ्य या बेकार होता है, तो उन्होंने एक जोरदार झटका लगा सभी को। द टीचर रिमार्क्ड, टीचर ने रिमार्क किया यानी कि टिप्पणी किया, जिसे कमेंट कहते हैं ना, टिप्पणी करना, तो उन्होंने पूछा, टिप्पणी किया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मिस्टर ड्राइवर, अरे ड्राइवर साहब क्या हुआ, इस तरह से टीचर ने पूछा। द रोड इज़ ब्लॉक्ड सर, द ड्राइवर इन्फॉर्म्ड, तो ड्राइवर ने इन्फॉर्म किया, उन्हें जानकारी दी कि रोड ब्लॉक्ड है, यानी कि रोड क्या है, बंद है, आगे ब्लॉक है। बट बिफोर दे कुड से एनी मोर, फोर हुडेड गनमैन, बट लेकिन बिफोर यानी पहले, दे कुड से, वे कुछ कह पाते, एनी मोर मतलब कि और, है ना, एनी मोर और ज़्यादा, या वो और कुछ कह पाते, है ना, कह सकते, इसके पहले क्या हुआ, फोर हुडेड गनमैन यानी कि चार, यहाँ पर जो हुड है ना, हुड से बना है हुडेड, इसका मतलब होता है कि टोपीदार या मुंह ढका हुआ। ठीक है, और इसका मतलब उग्र भी होता है, जो उग्र होते हैं, दूसरों को मारते हैं। ठीक है, तो टोपीदार यानी कि अपना मुंह ढके हुए चार गनमैन, ठीक है, चार गनमैन यहाँ पर प्रवेश किए, राइट। आइए आगे देखते हैं। अपीयर्ड, देखिए अपीयर्ड मतलब होता है दिखे, क्योंकि अपीयर मतलब होता है दिखना, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया, अपीयर्ड दिखे। तो चार
गनमैन दिखे। वन ट्रेंड हिज गन एट द ड्राइवर, एक ने ड्राइवर पर गन तान लिया, है ना। वन ट्रेंड यानी एक ने ट्रेंड कर लिया अपनी गन को, हिज गन अपनी गन को ड्राइवर पर तान दिया। एनोदर कवर्ड द टीचर, एनोदर जो अन्य थे उन्होंने टीचर को कवर कर लिया, कवर कर लिया मतलब कि उनको बिल्कुल, है ना, उन पर गन तान दिया ताकि वो वहाँ से हिल ना पाए, कहीं जा ना पाए। एंड द रेस्ट, देखिए रेस्ट मतलब होता है बचे हुए, द रेस्ट जो बचे हुए गनमैन थे, एम्ड देयर गन्स एट द किड्स, उन्होंने अपनी गन का जो निशाना था वो बच्चों पर लगा लिया। एट द किड्स, बच्चों पर, देयर गन्स अपने गनों को, अपने बंदूकों को, एम्ड यानी निशाना लगा देना, तो बाकी ने बच्चों पर निशाना लगा दिया, ठीक है। ऑल न्यू, सभी जानते थे, ऑल न्यू जानते थे दैट कि इट वॉज अ हाईजैक, यह एक हाईजैक था। हाईजैक यानी होता है किसी को अगवा कर लेना, घेर लेना, ठीक है। तो यह एक हाईजैक था। द हाईजैकर मेड द ड्राइवर ड्राइव इन टू द जंगल, जो हाईजैकर थे अगवा करने वाले थे, मेड द ड्राइवर ड्राइव मतलब होता है कि उससे गाड़ी चलवाए, ठीक है। मेड द ड्राइवर ड्राइव, ड्राइवर से गाड़ी चलवाए, इन टू द जंगल, जंगल के अंदर ले गए चलवा के, है ना, उसको प्रेशर करके अंदर ले गए। देयर, वहाँ ऑल वर मेड टू लीव द बस एंड स्टैंड टुगेदर, वहाँ सभी को मेड टू लीव यानी कि निकाला गया, ठीक है, मजबूर करके मेड टू लीव उन्हें निकाला गया बस से, ठीक है ना, बस से दूर लीव छुवा दिया गया, बस से दूर कर दिया गया। एंड स्टैंड टुगेदर, और एक साथ खड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी समझें कि मेड के बाद कोई वर्ब आ रही है, मेड टू लीव, मेड स्टैंड, तो वहाँ मतलब होता है कि किसी के द्वारा जो है किसी को ऐसा करवाया गया है, मेड टू लीव द बस, उनसे बस छुड़वा कर, लीव करवा के बस को, और उन्हें खड़ा कर दिया गया एक साथ, किसके द्वारा, आप जानते हैं यहाँ पर हाईजैकर्स हैं, वो उन लोगों को ऐसा करवा रहे हैं, क्लियर है। संदीप वॉज वन ऑफ द किड्स, संदीप उनमें से एक बच्चा था, ठीक है। वन ऑफ द किड्स, बच्चों में से एक, है ना, एक संदीप था। ही वॉज अ ब्राइट एंड क्लेवर, वह चतुर और होशियार था। ब्राइट का मतलब देखिए होशियार भी होता है, ठीक है। अ ब्राइट, अ ब्राइट मैन, अ ब्राइट बॉय यानी कि होशियार लड़का। तो ही वॉज, वह एक होशियार और क्लेवर, है ना, ब्राइट एंड क्लेवर मतलब होता है होशियार और चतुर, चालाक एक लड़का था, ठीक है। ही सॉ, उसने देखा, सॉ सी सॉ, सी का सेकंड फॉर्म, उसने देखा दैट कि देयर वॉज अ बिहाइव, वहाँ पर एक बिहाइव थी, ठीक है। बिहाइव यानी होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। बी यानी होता है मधुमक्खी, हाइव यानी छत्ता। एक मधुमक्खी का छत्ता था ऑन द ट्री, पेड़ पर, राइट एबव बिल्कुल सीधा ऊपर, ठीक है, राइट एबव सीधा ऊपर, वेयर द हाईजैकर्स स्टूड, जहाँ जहाँ पर हाईजैकर्स खड़े हुए थे, ठीक है। वेयर मीन्स जहाँ, द हाईजैकर्स यानी वो जो अगवा करने वाले थे, किडनैप करने वाले थे, हाईजैकर्स स्टूड खड़े हुए थे, ठीक है। ही विंक्ड, उसने आँख मारी, विंक यानी होता है आँख मारना, विंक्ड इसका सेकंड फॉर्म हो गया। ही विंक्ड, उसने आँख मारी एट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर, ठीक है, या अपने दोस्तों को, तो उसने अपने दोस्तों पर आँख मारी। एंड शोड देम द हाइव, और उन्हें शो किया, शो मतलब दिखाना, उसने दिखाया, देम मतलब उन्हें, तो उसने उन्हें उस छत्ते को दिखाया, कैसे दिखाया, बाय हिज आई मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, मूवमेंट्स यानी होता है हलचल, है ना, मूवमेंट्स यानी हलचल होता है।
आईज अपनी आँख की हलचल से, यानी अपनी आँख को मूव करके, अपनी आँख को ठीक है चढ़ा के उसने उन लोगों को इशारा किया, दिखाया कि वहाँ देखो ऊपर सीधे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उसने इशारा किया। ठीक है, ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब होता है बहुत धीमी आवाज़ में बोलना, जिसको हम कहते हैं बुदबुदाना या फुसफुसाना। ही विस्पर्ड, उसने बुदबुदाया, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोन्स डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने बुदबुदाया यानी कि विस्पर किया, धीमी आवाज़ में बोला कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोन्स, बहुत सारे पत्थर हैं। लॉट्स ऑफ यानी होता है बहुत सारा, लॉट्स ऑफ बहुत सारा, स्टोन्स पत्थर है, डाउन नीचे, ऑन द ग्राउंड यानी कि नीचे ज़मीन पर, ग्राउंड पर बहुत सारे पत्थर हैं। एज सुन एज आई से या एवरी वन सेल पिक स्टोन्स अप एंड एम एट द हाइव, उसने कहा एज सुन एज यानी कि जैसे ही, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, जैसे ही आई से मैं कहता हूँ या मतलब होता है हाँ, ठीक है, जैसे ही मैं कहता हूँ या हाँ, एवरीवन सेल पिक स्टोन्स अप, सभी लोग पत्थर उठाएंगे, ठीक है, पिक मतलब होता है उठाना, पिकअप उठा लेना, ठीक है, तो सभी लोग जो है, सेल मतलब होता है गागीगे, है ना, फ्यूचर को दिखाने के लिए आता है, फ्यूचर को है ना, फ्यूचर की बात बनाने के लिए हम सेल और विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी बात में जोर दे रहा है, एवरीवन सेल पिक स्टोन्स अप, सभी लोग पत्थर उठाएंगे, एंड और एम, एम मतलब होता है निशाना लगाना, एम, एम का मतलब लक्ष्य भी होता है, एट द हाइव, उस छत्ते पर सभी लोग अपना निशाना लगाएंगे। द बीहाइव वुड बी स्टर्ड, स्टर मतलब होता है हिलना या हिलाना, ठीक है, इवन मतलब होता है भी, इफ यानी यदि, ठीक है, तो द बीहाइव वुड बी स्टर्ड, तो बीहाइव क्या हो जाएगी, हिल जाएगी, वुड बी मतलब कि होगा, होगी, तो जो छत्ता था मधुमक्खी का वो हिल जाएगा, इफ टू थ्री स्टोन्स हिट इट, और देखिए इवन इफ का मतलब एक और भी होता है भले ही, टू थ्री स्टोन्स हिट इट, या दो तीन पत्थर हम लोग उसमें हिट करते हैं, हिट यानी होता है मारना, ठीक है, इट यानी यह है, यहाँ पर छत्ते की बात हो रही है, जो वहाँ पर बीहाइव था है ना, उसकी बात हो रही है कि उस पर हम हिट करेंगे यानी मारेंगे, प्रहार करेंगे दो तीन पत्थर, तो जो छत्ता है वो हिल जाएगा, और इसके बाद क्या होगा आप लोग समझ गए होंगे। द मैसेज वॉज विस्पर्ड अराउंड, अराउंड यानी होता है चारों तरफ, ठीक है, तो यही जो बच्चे लोग थे उनमें चारों तरफ ये मैसेज, ये संदेश विस्पर्ड कर दिया गया, यानी फैला दिया गया है ना, धीमी धीमी आवाज़ में बोल के फैला दिया गया, तो यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है विस्पर्ड, तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है एज सुन एज संदीप सॉ द हाइजेकर्स टॉकिंग समथिंग इन अ हडल, एज सुन एज जैसे ही है ना, मैंने अभी आपको बताया एज सुन एज यानी जैसे ही संदीप सॉ, संदीप ने देखा उन हाइजेकर्स को टॉकिंग बात करते हुए, समथिंग कुछ बात करते हुए, इन अ हडल मतलब होता है ग्रुप में, इन अ ग्रुप या इन अ हडल, ठीक है, तो हडल मतलब ग्रुप भी होता है, तो एक ग्रुप में आपस में बात करते हुए जब संदीप ने देखा उन लोगों को, ही ईल्ड मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, तो उसने चिल्लाया, या द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मतलब होता है उसी पल या उसी क्षण, कहते ना कि उसी पल उसी क्षण एकदम से बिल्कुल ये काम शुरू हो गया, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यानी उसी पल उसी क्षण, डजन्स ऑफ स्टोन्स यानी कि दर्जनों पत्थर, डजन मीन्स होता है दर्जन, डजन्स दर्जनों पत्थर,
जिप्ड टुवर्ड्स द हाइव, छत्ते की तरफ, टुवर्ड्स नहीं होता है, छत्ते की तरफ बिल्कुल तेज आवाज है ना, जी पानी होता है बिल्कुल तेजी से सनसनाते हुए दर्जनों पत्थर उस हाइव में वो लोग मार दिए। नन कुड करेक्टली सी हाउ मैनी स्टोन्स हिट द हाइव, नन यानी कि कोई नहीं, कुड करेक्टली सी सही सही देख सका, यानी कि किसी ने सही सही नहीं देख सका, नहीं देख पाया कि कितने पत्थर वो लोग एक्चुअल में उस छत्ते पर मार दिए, क्योंकि उस समय उनके अंदर बहुत डर था और वो बिल्कुल फटाफट उठा के पत्थर मारने लगे। बट लेकिन अ बजिंग नॉइज एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड का मतलब होता है बिल्कुल फूट पड़ना, ठीक है। बजिंग मतलब होता है भिनभिनाहट, बजिंग जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं तो वो भिनभिनाती हैं तो उसको हम कहते हैं बजिंग। नॉइज यानी होता है शोर, तो भिनभिनाहट की शोर बिल्कुल बहुत जल्दी वहाँ पर फूट पड़ी। क्लियर है? आइए देखते हैं फिर क्या होता है। स्वार्म्स ऑफ वीज यानी कि मधुमक्खी का झुंड, मधुमक्खी के झुंड को, समूह को हम बोलते हैं स्वार्म ऑफ वीज। सूप्ड डाउन ऑन द हाइजेकर्स, सूप्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है, या झपटना। तो मधुमक्खियों का झुंड बिल्कुल हाइजेकर्स पर झपट्टा मार दिया, यानी कि टूट पड़ा उन पर, ये कह सकते हैं आप, है ना, टूट पड़ना, झपट्टा मार देना। ऑन द हाइजेकर्स, हाइजेकर्स पर। मीन वाइल, मीन वाइल मतलब होता है उसी दरमियान या उसी समय। द किड्स एंड द टीचर, बच्चे है ना, वे बच्चे और टीचर्स शिक्षक रन अवे, रन अवे, देखिए रन अवे का सेकंड फॉर्म होता है रन अवे, रन दौड़ना भागना, ठीक है, और रन दौड़ा या भागा, तो रन अवे मतलब होता है भाग जाना। क्लियर है? तो उसी समय बच्चे और वो टीचर वहाँ से भाग गए। इन सेमी डार्कनेस टुवर्ड्स द हाईवे, टुवर्ड्स यानी होता है की तरफ, की ओर, तो हाईवे की ओर वो लोग भाग निकले। इन सेमी डार्कनेस, सेमी मतलब होता है आधा, ठीक है, डार्कनेस यानी अंधेरा, तो आधे अंधेरे में वो हाईवे की तरफ भाग गए, क्योंकि शाम का वक्त था, है ना, तो कह सकते हो आपके भी पूरी तरह से रात नहीं थी, अंधेरा हो चुका था, उसे बोलते हैं सेमी डार्कनेस, आधा अंधेरा। एज जैसे ही दे पोर्ड ऑन द हाईवे, पोर ऑन मतलब होता है कहीं पर इकट्ठा हो जाना, ठीक है, पोर ऑन, वैसे तो पोर का मतलब उड़ेलना होता है, आप शायद जानते होंगे, है ना, पोर का मतलब उड़ेलना होता है, जैसे पानी उड़ेलना, है ना, दूध उड़ेलना, डालना, कोई भी लिक्विड है। एज दे पोर द ऑन, यहाँ पर पोर ऑन मतलब होता है कि जल्दी से आके इकट्ठा हो जाना कहीं पर, है ना, तो वे इकट्ठा हो जाते हैं हाईवे पर। अ पुलिस जीप हैपेंड टू कम, वहाँ से एक पुलिस की जीप गुजरी, निकली, ठीक है। हैपेंड टू का मतलब होता है अचानक से कहीं आना, ठीक है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर अचानक से एक पुलिस की जीप आई, हैपेंड टू कम, वहाँ पर आई। इन फ्रॉम अ साइड, ठीक है, फ्रॉम अ साइड यानी एक तरफ से, क्लियर है, वहाँ अचानक से एक पुलिस की जीप आई। द किड्स स्टॉप्ड द जीप, बच्चों ने उस जीप को स्टॉप कर लिया, रोक लिया। एंड रिपोर्टेड व्हाट हैड हैपेंड, रिपोर्ट मतलब होता है कि किसी भी घटना को बताना, ठीक है, किसी घटना को बयां करना, सुनाना, तो उन्होंने सारी घटना को रिपोर्ट कर दिया, उन पुलिस को वालों को पूरी घटना के बारे में बता दिया। व्हाट हैड हैपेंड, यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है जो, हैपेंड यानी होता है घटित होना, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है यानी पास परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब होगा हुआ था या हो चुका था, तो जो भी हो चुका था, जो हुआ था उनके साथ, उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया, सारी घटना को बता दिया। व्हेन द पुलिस गॉट टू द स्पॉट, जब पुलिस उस स्पॉट पर पहुंची, स्पॉट यानी होता है जगह,
ठीक है। गॉट यानी होता है होना या किसी जगह पर जाना या है ना पाना, इस तरह सेंस आता है जब भी इस तरह से आ जाए गॉट टू द स्पॉट, ठीक है, या कोई प्लेस का नाम आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर वो लोग पहुँचे या वहाँ पर वो लोग गए। व्हेन द पुलिस गॉट टू द प्लेस टू द स्पॉट, जब पुलिस उस जगह पर पहुँची, द हाइजेकर्स वर स्क्रीमिंग, हाइजेकर्स चिल्ला रहे थे, है ना, वर मतलब थे, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना है ना, चिल्ला रहे थे क्योंकि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना, देयर फेसेस एंड हैंड्स हैड सोलन लाइक बलून्स, उनके चेहरे है ना, देयर फेसेस उनके चेहरे एंड हैंड्स और हाथ हैड सोलन, सोलन मतलब होता है सूजना, है ना, जैसे जब कोई मधुमक्खी वगैरह काट देती हैं तो बिल्कुल आँख और मुंह पूरा फूल आता है ना, तो हैड सोलन मतलब कि फूल गया था, लाइक बैलून्स गुब्बारे की तरह उनका उनके चेहरे और हाथ बिल्कुल फूल गए थे, क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टोरी ख़त्म होती है। आइए देखते हैं कि इस स्टोरी का मोरल क्या था, यानी कि नैतिक शिक्षा क्या मिली, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की नैतिक शिक्षा, बी कॉम एंड पेशेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफन हेल्प्स टैकल सच प्रॉब्लम्स। देखिए बी मतलब होता है होना, कॉम यानी होता है शांत, इसको पढ़ेंगे कॉम, तो शांत होना या शांत रहना, ठीक है, पेशेंट मतलब होता है धैर्य, ठीक है, तो शांत और धैर्यवान रहिए, कब रहिए, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में, कठिन सिचुएशन में आप शांत और धैर्यवान रहिए, उससे क्या होगा, आपका दिमाग सही काम करेगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी आपके जो दिमाग की उपस्थिति है वो सही रहेगी, ऑफन यानी प्रायः हेल्प्स, हेल्प करता है, मदद करता है, टैकल मतलब होता है सामना करना या मैनेज करना, सच प्रॉब्लम्स ऐसी समस्याओं को, सच प्रॉब्लम्स ऐसी समस्याओं को टैकल करने में, फेस करने में, सामना करने में मदद होती है, कब, जब आप शांत रहते हैं और धैर्यवान रहते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपने एक अच्छी स्टोरी को आपने एंजॉय किया है, आई होप दैट कि आपने इंग्लिश में भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।